पंडित, पंडित साहब आए, कहा मौलाना साहब मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, हर जगह मारेरा शरीफ में आप ही का जिक्र होता है। अक्सर ऐसा होता है किसी आदमी को इज्जत मिलती है तो आदमी को हसद होता है, और हसद अपने वाला होता है, कोई पढ़ाया नहीं होता, हसद इन्हीं को होगी। लेकिन हासिदों के लिए बुराई आका ने कहा कि हासिद ना बनो। क्या हाँ, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाते हसद इस तरह उस आदमी को खा जाता है। तो इस आदमी को, पंडित था मुसलमान तो था नहीं, दलबा पढ़ने वाला था नहीं, हसद हो गई कि लाओ उन्हें ऐसा मसला पूछो कि ये परेशान हो जाए। बहुत से इनके मुरीदे उनके काती में, आओ हमें और मसला पूछते हैं। पंडित आया अले रसूल की बारगाह, जो मौला ये कुल मौला अली मुश्किल गुस्सा हैदर कर्रार की औलाद है, कहा हजरत एक मसला है, अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त अहले बैत पाक आले रसूल ने फरमाया, क्या है पंडित साहब? तो कहा देखो ये है चावल। आया क्या चावल का? आपने एक बार कहा था दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम बताओ ये किसके नाम है? अल्लाह, ये तो इल्म गेब हुआ, इल्म गेब हुआ ये तो, कि आप बताओ किसका नाम है? उस खाने में नाम तो लिखा नहीं होता। अब ये पंडित ने कैसा सवाल किया ताकि हजरत परेशान हो जाए और मुरीदों के सामने भी शर्मिंदा हो जाए। ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के दोस्त आलिम के पास जाओ ना तो अपनी जुबान को कंट्रोल रखो। वली की बात है दिल को कंट्रोल, ये दिलों के जासूस होते हैं। अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त अहले बैत पाक आले रसूल ने आंख बंद की, आंख बंद की। पंडित हैरान है, पंडित हैरान है कि क्या आंख बंद की? आंख बंद की, आंख खोली का पंडित सुनी, पंडित जी सुनिए, इस चावल के दाने पर दो मोर है, दो मोर क्या कहा? उसका नाम लिखा है फला जंगल में है। इतना इल्म गेब बता दिया। अब ये क्या मानने वाला, ये तो मजाक ही करने आया था। पानी उठाया, वो चावल के दाने से खा गया, अल्लाह पानी पी लिया। अब कहा हजरात देखिए, आपने ये कहा इसके नाम दो मोर के हैं, लेकिन देखो मेरे पेट में चला गया। लेकिन अल्लाह के वली का फैसला नहीं बदलता। आले रसूल ने कहा ये सोने की लकीरें बोल दिया होगा, ये दो मोर है वही खाएंगे, उसी की तकदीर में उसी ने लिखा हुआ ये नाम, अल्लाह अकबर अजब, उसी का नाम लिखा हुआ है। अहले बैत पाक की बात और अहले बैत आगे दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह उसी का नाम लिखा है, फैसला बदलेगा नहीं, मोर लग गई है। अब सबके सामने देख रहा है पंडित, चला गया घर पे पहुंचा, घर पे पहुंचा अचानक पेट में दर्द हुआ है। वली से मगा ना लो वरना जहन्नम में चले जाओगे। हाँ, पेट में दर्द हुआ, बीबी को कहा बेगम टांगा मंगाओ, आज की तरह तो देने डॉक्टर कहीं, टांगा मंगाओ। टांगा मंगाया गया, पेट में सब दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता टांगे में बैठा, अब का तेज दौड़ाओ, रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, कितना सब दर्द होता है। तेज टांगे को दौड़ाया गया, दौड़ाया गया, अचानक का रुक जाओ। बीबी ने कहा क्या हुआ, चिल्लाते क्यों हो? पेट में गड़बड़ी है, रहा नहीं जाता, रुको मैं आता हूं, अभी पारी होकर आता हूं आचर से। अभी उतरा टांगे से, टांगे से उतरा, वही जंगल जो हजरत ने बताया था बेटे बेटे कि भला जंगल में पहुंचेगा। तो अब ये पहुंचा, अब अचानक कोमर उल्टी, वही चावल के दाने बाहर आ गए, चावल के दाने
वही आ गए और थोड़ा सुकून मिला। अचानक दो मोर आ गए, कहो सुभान अल्लाह, दो मोर आए, दाने को चुना, खा लिए दाने। हजरत की बात याद आई कि आगे रसूल ने कहा था कि इसके नाम लिखे हुए तो मोर के। अब बीबी को कहा, बेगम मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बल्कि रसूल की बारगाह में ले जाओ। कहो सुभान अल्लाह, उनकी बारगाह में ले जाओ। आगे वाला हैरान, कहा पंडित जी आप तो कह रहे थे पेट में दर्द हो रहा था, मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। कहा नहीं, आप मुझे ले जाओ वहां अली रसूल की बारगाह में। फिर आगे बच्चे का तेज दौड़ा हो रहा, दौड़ाया आले रसूल बैठे हुए, आके कदमों गिरा, कहा हजरत मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कहो सुभान अल्लाह, आपने कहा था कि तुम मोर खाएगी, तुम्हारे यही चावल तो मोर ही ने खाए। कहो सुभान हजरत का पढ़ ले कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहें वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखी, जरूर शरीफ पढ़िए अल्लाह होगा। अब ऐसी बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे बाद बहुत से लोग नबी होने का दावा करेंगे, हत्ता कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमा दिया खातम नबी ना, आखिरी नबी का ऐलान हो गया, अब कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने नबुवत का दावा किया। यमन में सैदना सिद्दीक आजम के पर्दा फरमाने के बाद दौरे उमर फारूक के आजम में एक फितना उठा यमन से, क्या है यमन से फितना उठा, और वो यमन शख्स जुल हिमार या न गद्दे वाला, उसने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, वही नाजिल होती है मुझ पे, मुझे नबी मानो। उमर फारूक आजम उनको भी पता चला कि यमन में शख्स जुल हिमार नाम का यानी गद्दे वाला, क्या है जुल हिमार का माना गद्दे वाला। अब ये ऐलान तस्दीक चुका था, गद्दे से बोला था, इसका पावर देखिए, गद्दे से बोला था, बोल में नबी हूं, वो गद्दा बोलता है और गद्दे पर वो सवार होता। यमन में ऐलान करता रहा करता रहा, और एक मर्द, मर्द वली को कहते हैं, क्या कहते, एक मर्द खुदा ताबेईन अबू मुस्लिम खोलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला किसने ऐलान नबूवत किया है, उसके सामने गए, कहा तू नबी है। अब जब झूठा होता है ना तो उसके आदमी भी बहुत हो जाते हैं, करबला में यजीद झूठा था, 22,000 फौज हो गई, 22,000 का लश्कर था, आका हुसैन और 72 थे, लेकिन यहां भी इसके चाहने वाले हो गए बहुत, दुल्हेमार के बहुत चाहने वाले, इसलिए कि गद्दा बोलता था कि ये नबी जाहिरी देखता है आदमी। अब ये अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त ताबेईन अब मुस्लिम फलानी रहमतुल्लाह ताला ले उसके पास गए, क्या तो ऐलान करता है, कुरान में है कि आखिरी नबी आ गए, रसूल पाक आ गए, अब कोई नबी नहीं, अल्लाह के महबूब आ गए, तमाम नबियों के इमाम आ गए, कोई नबी नहीं, रसूल के इमाम आ गए, कोई नबी नहीं। वो कहता है देख ये मेरा गद्दा बोलता है, काम नहीं मानूंगा मैं, नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा तो हम तुम्हें आग में डालेंगे, अल्लाह पर आया नहीं मानेगा तो आग में डाल दूंगा, मान मुझे, नहीं माने नहीं माने, अब मुस्लिम नहीं माने तो आग जलाई गई, अल्लाह आग, काफी भी मान जा, का नहीं मानूंगा, तस्बीह हाथ में है और का देख ला इलाहा इल्लल्लाह
नहीं अल्लाह के सिवा और मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके सिवा कोई नबी नहीं, यही अल्लाह के सच्चे, यही अल्लाह के। जब कहा कि नहीं मैं नबी हूं, ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह के नबी, देखो ला इला इल्लल्लाह सल्लल्लाहु आदमी उन्हें पकड़ा है। लेकिन ये तस्वीर घुमा रहे, डरते नहीं, आग सामने, आग सामने है, काबू से ना तो आग में का कोई जरूरत नहीं। पकड़ा हजरत को, आग में डाला, आग में डाला, हजरत अंदर गए और कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहां जहां कदम रखते आग घुसती जाती है। जब ये करामत कलमे की, जहां जहां कदम रखते थे ना वो आग घुसती जा रही थी, पूरा गुम गए तो आग पूरी खत्म हो गई। कब आग बुझ गई, जब ये देखा ना दुल्हेमार ने कहा अब इन्हें यमन से भगाओ। क्या कहा? यमन से भगाओ। जब अबू मुस्लिम कौलानी रहमतुल्लाह ताला ने को यमन से निकाला गया, सब लोग ने देखा कि दीन इस्लाम हक है, क्या है, कलमा पढ़कर वो आग को बुझा दी है। जब कलमे का कमल, कलमे वाले में क्या कमल नहीं होगा। हा जब मदीना शरीफ पे पहुंचे हैं उमर फारूक आजम, इसके लिए आका ने इरशाद फरमाया कि वो उमर फारूक आजम है, इस गली से गुजर जाते शैतान गली बदल देता है। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अपनी साथ में उमर फारूक आजम से मुसाफा करेगा, कलाम करेगा। वह उमर फारूक कहा मेरी अगर हर एक नबी की उम्मत में मोहदीस है मोहदीस, मेरे मोहदीस उमर फारूक आजम है। कहो सुभान अल्लाह। वह उमर फारूक आजम बैठे हुए हैं, सब लोग तशरीफ फरमाए और यमन से चले अब मुस्लिम। जब मदीना शरीफ में पहुंचे ना मस्जिद नबी शरीफ में, उमर फारूक खड़े होकर कहते हैं कि जिसे इब्राहिम कलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत को जिंदा किया ना, देख लो वो आ रहे हैं। गौ सुभान अल्लाह। इसलिए कि हजरत इब्राहिम कलीलुल्लाह को आग में डाल दिया गया था, नमरूद ने आग में डाला था, कहा कि इसे भी आग में डाला और आग ठंडी हो गई थी, वहां जब इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई और यहां अब मुस्लिम के लिए आग ठंडी हो गई। कहो सुभान। इसे देखना हो कि इब्राहिम बोला कि सुन्नत को जिंदा किया, सुन्नत को जिंदा करके आ रहे। कहो सुभान। उस हजरत क्या मामला है का इस तरह यमन में इतने ऐलान कर दिया है? और मुझे आग में डाल दिया, मैंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ता रहा तो आग हो गई। कहो सुभान। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदल दी हजारों के तस्वीर देखी। ये कलमा क्या है पढ़िए, जोरों से रिवाज बता दो। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बताना ये है कि ही कलमा 20,000 पढ़े गए, 6 कुरान पढ़े गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कलमा जो है कलमा आका फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल मीजान होगा तराजवा, और उसी में एक बल्ले में चांद डाल दो, चांद दुनिया से बड़ा है, ये चांद देख रहे हैं ना दुनिया, सूरज को डाल दो ये भी इतना बड़ा है, सितारों को डाल दो, सातों जमीन को उसी पल्ले में डाल दो, सातों आसमान को उसी पल्ले में डाल दो, और जितनी मिट्टी है रेत है सब उसी में डाल दो, हर चीज अंदर डाल दो, और सिर्फ एक पल्ले में ला इला इल्लल्लाह रखो तो पल्ला भारी हो जाएगा। कहो सुभान। यह ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है, गुनाह भी माफ होते हैं,
लेकिन बात आई तो चलो वली की बात एक और सुना दो दुरुस्त करी पड़ी आखिरी बात इसलिए कि आज गिलकत्ता का महीना शुरू हुआ है। हमने तो बहुत चांद देखने की कोशिश की लेकिन उसके बाद सुनी मुस्लिम कमेटी वाले का अक्सर मुझे उनका फोन आता है आमदनी भवन का, तो उनका हजरत चांद हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर फोन आया कि हजरत मुझे बातमी मिली है कि दोरादी में क्या है गुलाम मोहम्मद रजीव साहब ने चांद देखा है। तो कहा ठीक है, मैंने कहा भवन के नंबर दीजिए। तो फिर कातिर साहब की मुलाकात हुई, ये फोन किया तो उन्होंने मुझे कोई मैसेज मोकला और जो तीन आदमी ने चांद देखे थे उन तीनों के नाम और लेटर पेड भेजा। तो लेकिन इसलिए कि अभी बात हुई हमारे बरका साहब रात को तो दो आदमी को भेजे हैं तो चांद हो गया है दिल कद्दा, यानी हमने दिल कद कहते दिल कद्दा दब्द तो चांद हो गया इंशाल्लाह। आज पहली तारीख है दाऊद सादुल्ला का उस आने वाला है तो ऐलान कर दिया इसलिए। लेकिन अब सुनो आका फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पांच चीज को देखना इबादत, पांच चीज को देखना इबादत। तो कौन सी है सुनिए, आप मस्जिद में बैठे ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया पांच चीजें उसको देखना इबादत। एक सहाबी ने की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु, कौन सी चीजें हैं? पांच चीजें आकर फरमाया लिख लो। पहली चीज कुरान शरीफ को देखना इबादत है, असल के कहो सुभान अल्लाह, पढ़ना नहीं है तो सिर्फ देखो देखना भी इबादत है। या छह कुरान पढ़े इसलिए मैंने कहा छह कुरान अलिफ लाम मीम, एक पढ़ोगे अलिफ तो दस नहीं की मिलेगी, अल्लाह फरिश्ता भी पैदा फरमा देगा और तुम्हें इबादत का भी सवाब मिलेगा। दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स भूखा रहता है क्या ये भी इबादत में शुमार है, वो इबादत करता है भूखा रहे। तीसरा शख्स हो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरा शख्स वो है जो मस्जिद में बैठता है कोई, वो भी इबादत में है। कबो मस्जिद में बैठना भी इबादत, बैठना इबादत है। चौथा शख्स आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते चौथा शख्स हो जो काबा शरीफ को देखना इबादत है। कबो सुभान और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और रिवायत कि जिसने माँ बाप का चेहरा देखा वो भी इबादत में है। और फिर आका ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने आलिम का चेहरा देखा ये भी इबादत है, पीर का चेहरा देखना भी इबादत है। लेकिन आलिम का चेहरा देखा मुस्कुरा कर आया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक और रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक साल की नफली बसे सब ज्यादा आता फरमाता कब सुभान अल्लाह। अब वो कैसा सवाब है सुनिए, हम आप हकदार जन्नत के दरक के नहीं बनते अल्लाह है, सोने का तने वाला तना और नूर का दरक होगा किसका, अगर एक बार सुबह ना बोल दिया ने तो आप जुनेद भाई के 40 बजे तक तुमको सवाब मिलेगा, जुनेद भाई के रूर आगे हो जाएंगे। मेरे रिश्तेदार आए बार बार सुबह ना का अल्लाह ने जन्नत के दरक में दाखिल करवा दी, बदल के कहो सुभान अल्लाह। नूर का दरक वो भी सोने के तने वाला है, सोने के तने वाला दरक बार बार सुबहाना बोलते जाओ गुनाह मौज एक दरक अल्लाह पिता, तब अफसोस होगा आपको कि मौलाना मुस्ताद कहते थे लेकिन हमने बात नहीं मानी थे। अगर 10 बार बोल 10 जन्नत दरक बन जाते, यहां बोलना वहां जन्नत अल्लाह पिता हरमा देता है जन्नत। तो यह मामला यह है कि आका फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलिम को देखना भी इबादत, और कैसी इबादत, एक साल पूरा साल रोजे रखे अल्लाह का सवाब अता फरमाता है और पूरी रात कयाम के खड़े रखे बाद की अल्लाह का सवाब अता फरमाता है। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ले अला
ये भी अगर तुमने चांद देख लिया होता तो चांद देखकर वाला से इंसान के सुर पढ़नी थी मुकम्मल और कलम को देखना था इंशाल्लाह दोजख से आजाद होता हर माते था। इतनी बड़ी हर महीने के अलग अलग फजीलत है हर महीने की, लेकिन अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त मुझे बात याद आई, मैं पढ़ रहा था किताब तो अबुल हसन खिरकानी खिरकान में है। अल्लाह जाहिलों को वली नहीं बनाता लेकिन फिर अल्लाह इल्म देता है इल्म अता करता है। बाय कुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने अपने मुरीदों के साथ जा रहे, ये भी साल में एक बार सोहदा के मजार पे जाते, कुस्तान से चलते खिरकान जाते, अचानक रुक गए और सांसें ले रहे, इस तरह हम उसको सू ले रहे इस तरह। तो मुरीद ने पूछा हजरत आप यहां पहुंचते हैं और अचानक क्या खुशबू ले रहे, हमें तो नहीं आती। क्या कहा? हमें तो नहीं आती। तो बात गुस्तामी फरमाते बात ये है कि मैं जब खिरकान को देखता हूं तो मुझे वली की खुशबू आ रही है। कहो सुभान अल्लाह, एक वली पैदा होने वाले हैं उसका नाम अली होगा भाई। हाँ उनके अबुल हसन नाम अली होगा, खुशबू आ रही है मेरे जाने के बाद उनकी विलायत का डंका बजेगा, मुझे खुशबू आ रही है। देखो वली है भैया मुरीद इरादे विलायत की खुशबू आ रही है। वह एक बार गुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने पर्दा फरमा गए और यह भी कहा था कि खेती का काम करेंगे। क्या कहा? खेती का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, बीवी बच्चे का पेट पालेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह के वली होंगे। मुझसे तीन दर्जा विलायत में आगे इतने बड़े मुझे थे, लेकिन सब बड़ी हैरान के ये कहते उम्मी हो गए, यानी कि अपन उम्मी का माना ना पड़ा हुआ, उम्मी हो गए मुरीद और हैरान हो गए, क्या बात है ये वली अल्लाह के उम्मी हो, वली हो जाहिल हो ही नहीं सकता। अब अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला ने जब उनके बाय गुस्तामी का विलायत का डंका सुना था कि ये तो ऐसे बुजुर्ग थे करामत साहिब करामत साहिब फैजान, तो रोजाना ईसा कहा जाते चलकर पैदल बुस्तान से चलते खिरकान और खिरकान से पोसते बुस्तान, अल्लाह चलकर रोजाना हजरत की बारगाह में आते खिरकान से पोसते बुस्तान पोसते बाय गुस्तामी की बारगाह में और खड़े रहते अदब के साथ खड़े रहते, वरना तो जानते नहीं खड़े रहते हैं, फिर उल्टे पांव के पीठना लग जाए अल्लाह पीठना लग जाए, वापिस चलते 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 फिर फजर की नमाज खिरकान आके पढ़ते। एक साल दो साल तीन साल एक रहते बारह साल एक रहते बीस साल दोनों मौजूद है मेरे पास, खैर बारह साल लेके क्या हुआ फिर सुनिए ताकि वक्त तो सके। बारह साल का अरसा गुजरा बाद उस्तामी की बारगाह में रोजाना ईशा से निकले अपने घर से और वहां पहुंचे, फिर फजर घर पे पड़े वहां नसीब मिला। जब हजरत की बारगाह बाद उस्तामी की बारगाह में पड़े हैं और कहते हजरत बारह साल का अरसा गुजर गया मैं लेटा नहीं हूं, तुम्हारी बारगाह में आया हूं तुम्हारी मोहब्बत में, रोजाना चल के आता हो, ए दुआ की अल्लाह बाद गुस्तामी के संग वली बना दे, कब सुभान अल्लाह मुझे भी वली बना दे, इनसे जैसा दर्जा देता हरवा दे। मजार के पास खड़े रहकर दुआएं कर रहे, पता चला कि दुआ करना ये भी सुन्नत है, दुआ की अगर दादा बाबा की बात दुआ करते सुन्नत तरीका है, गरीब नवाज की बात सुन्नत तरीका है, महबूब साहब की बात का सुन्नत तरीका है, बुकाश पाकर ये सुन्नत तरीका है, हाथ उठाए कहा मौला माली गर्म अता फरमा रहे मता फरमा, इसी वली के सदके में वली बना दे। जब दुआ कर रहे थे तो आवाज आई कब्र पाक से कि तू मेरे सदके में मांगता है
मेरी दुआ तेरे सदके में कबूल हो गई है, कबूल से कहा है। जब आवाज आया कब्र पाक से पता चला वली जिंदा है। जब अल्लाह के वली जिंदा है तो नबी कैसे जिंदा है, अली कैसे जिंदा है, सब जिंदा है अपने अपनी कब्र पाक में, सब जिंदा है। आवाज आई कहा कि मेरे सदके में आपकी दुआ कैसे कबूल होए, मेरे बेटा तो आप इंतकाल कर गए। का बात यह है कि बहुत साल हो जाएगा, 1 में 30 साल है बल्ला आलमी के मैं दुआएं कर रहा था और बुस्तान से खिरकान की तरफ चल रहा था तो दुआ की ने तो अल्लाह गेम से आवाज आई, ए भाई बुस्तामी देख। देखा तो नूर था, जब इसे आसमान तक नूर था, कबो सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया भाई बुस्तामी इसी नूर का सदका मांग ले, तेरी दुआ कबूल अटा हर बात होगा। दुआ की इसी नूर के सदके में तो अल्लाह ने दुआ कबूल अटा फरमाया। अल्लाह की बारगाह की मालिक रहमान और रहीम ये किसका नूर है, कैसी का नाम अबुल हसन की कहानी होगा, कब मान ला ये मेरे वली है इनकी के सदका मांग ले इसी नूर का। तो सदके में कहा था तो अबुल हसन की कहानी से भाई गुस्ताम ने कहा कि मैंने तुम्हारा सदका मांगा था नूर की शक्ल में थे तुम तो कहा हजरत मैं कैसे वली हो सकता हूं, मैं तो उम्मी हूं, मुझे तो कुरान पढ़ते नहीं आता, कुरान पढ़ते नहीं आता। अब वली की निगाह देखो, कब्र पाक से निगाह करे भाई गुस्तामी का जा पढ़ बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम और पढ़ता पढ़ता चला जा, पढ़ता पढ़ता चला जा। अबुल हसन फिरकानी रहमतुल्लाह ताला ले भाई गुस्तामी की मजारे पाक से हजरत ने जो फरमाया कि पढ़ बिस्मिल्लाह हे रखमा नी रहीम, अब एक विलायत वाली निगाह आता हरमाती है, अब बिस्मिल्लाह रखमा नी रहीम पढ़ते रहे अबुल हसन खिरकानी आगे बढ़े, फिर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, एक पारा खत्म किया, दूसरा पारा खत्म किया, तीसरा पारा खत्म किया, चौथा पारा खत्म किया, पांचवा छठा छठवा आठवा नौवा दसवा 11 12 अगर पहुंचते पहुंचते किरकान पहुंचे तो 30वां पारा खत्म कर लिया। ये अल्लाह के वली बुस्तान से चले किरकान पहुंचे तो कुरान के हाफिज बन गए। ये है वली की निगाह, निगाह है वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। बस मालिक दुआ है जो कुछ पड़ा है बोलने में हामी है तो माँ फरमा दे। मौला मरहूम जनत भाई की दुआ किसी अता हर माँ, जन्नतों में और दर्जातों को बुलंद अता हर माँ, घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता हर माँ। जितने लोग आए सभी को खादा किधर अले सलात व सलाम की तरह, उम्र में बरकते अता हर माँ, मौला ने मुश्किल कुशा की तरह कुवत हिजरी अता हर माँ, हमें रूहानी ताकत अता हर माँ, इल्म ज़ाहिरी अता हर माँ, इल्म यसीन अता हर माँ, हमारे सीनों में अहले बैत पाक की सच्ची मोहब्बत अता हर माँ। आखिर दावाना सलाम रखते हुए